देखते हैं। हरियाणा के बहुचर्चित पेपर लीक मामलों में सोनीपत एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है। आज सोनीपत एसटीएफ ने एक रेलवे कर्मचारी समेत 3 आरोपियों को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया है और तीनों से पूछताछ की जा रही है। जांच यूनिट ने सोनीपत के रहने वाले सुनील और मंजीत को झज्जर के रहने वाले विशाल नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि मंजीत 2018 में फर्जी तरीके से रेलवे का पेपर पास कर भर्ती हुआ था और अभी जोधपुर में पोस्टेड है। वहीं सुनील ने गुहाना में आरजे स्किल डेवलपमेंट के नाम से कोचिंग सेंटर खोल रखे हैं और झज्जर का रहने वाला विशाल बहादुरगढ़ में यस बैंक में कार्यरत है। इन तीनों का सरगना रॉबिन पहले ही सोनीपत एसटीएफ के हत्थे चढ़ चुका है। सुनील है सिकंदरापुर माजरा गुहाना का और एक मंजीत है बोर्ड का। ये तीनों आदमी जो मैन गैंग मेंबर्स हैं उनको कैंडिडेट देते थे। मंजीत खुद भी अपना नकल से अपना पेपर पास करके और रेलवे में लगा हुआ है, विशाल बैंक में लगा हुआ है और सुनील जो है इसने अपने कोचिंग सेंटर खोल रखे हैं। तो कोचिंग सेंटरों में जो बच्चे इसके पास पढ़ने के लिए आते हैं उनको ये मोटिवेट करके फॉर्म वगैरह भरवा देता है और अपनी लैबों के ही सेंटर जो है ना ये गैंग मेंबर्स की जो लैब हैं उन्हीं में सेंटर दे देते हैं।